हम आए हैं नसर बिल्डिंग के यहाँ पे, जो एक ग्रैंड होटल रेसिडेंसी के नाम से चलता था। इसके चौथे और तीसरे माले पर होटल्स थे और लोग वहाँ पे रहते थे। कुछ ही देर पहले इस बिल्डिंग का पिछला हिस्सा गिरकर टूट गया है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग खाली करवाई गई है। आइए जानते हैं लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, ये जो बिल्डिंग है आपके पीछे, और उसके बारे में आप क्या बताएं? नोटिस का फोटो है ना भक्त, बीएमसी अधिकाऱ्याने आम्ही नोटीस बद्दल विचारलं होतं, पण त्यांनी नाही सांगितलं। त्यांनी म्हटलं की आम्ही नंतर बोलू किंवा नाही, इग्नोर करून पुढे गेले। त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय म्हणायचं? नाही, पण मला बीएमसीचे अधिकारी आधी कोण आले हेच माहिती नाही आहे की इथे ते पोचले। आणि त्यांनी खरं तर डिझास्टर मॅनेजमेंटने सुद्धा कळवायला हवं होतं ना की असं असं आहे। तर मग मला एकांचा फोन आला आणि सांगितलं त्यांनी की असं असं, कारण बनावाल्यांमध्ये एक ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम होता, तिकडे आम्ही तो सॉल्व्ह करत असताना फोन आला आणि त्यामुळे मी ताबडतोब तिथे आले। इन्फॉर्मेशन मिळते की जी स्लॅब वगैरे ते इलिगल काम चालू, त्याची 4 महिने आधी नोटीस दिली होती। 4 महिने कोणी दिली असताना बीएमसीने ह्या बिल्डिंगने नोटीस दिली, बीएमसीने ही नोटीस दिली होती। मग त्याबद्दल तुम्हाला काय? 4 महिन्यापासून लोक राहत नाही, मला बीएमसीने नोटीस दिलेली मला त्याची कल्पना नाही आहे, खरंच नाही आहे। म्हणजे असं काही कळवलं नव्हतं, म्हणजे प्रत्येक बिल्डिंगच्या बाबतीत ते कळवतील असं कदाचित नसेल म्हणून, पण आत्ता जे पाहिलं ते खूप धोकादायक आहे आणि त्याच्यामुळे ते रिकामी बिल्डिंग करणं ही गरजेचं आहे असं म्हटलंय की इथले नगरसेवक, कॉर्पोरेटर्स आणि बाकीचे बीएमसी अधिकारी या सगळ्यासाठी जिम्मेदार आहेत, त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? त्या लोकांचं जे म्हणणं आहे त्याच्यावर मी काहीच बोलू इच्छित नाही, कारण तुम्हाला ती लोकं कशी आहेत हे माहिती आहे। जेव्हा एखादी आपत्ती येते तेव्हा आम्ही त्याच्यावर कारवाई करणं हे गरजेचं आहे आणि तशी मी केलेली आहे। त्यामुळे त्या दुसऱ्या पक्षाच्या लोकांनी जर काही विचित्र काही बोलत असतील, म्हणजे संकटकाळी मदतीला धावून यायचं हे सोडून ते जर अशा पद्धतीचे काही वावडे उठवत असतील तर ते योग्य नाही आहे असं मला वाटतं स्वतःला। पण बाकीचं काम ते इलिगल चालू आहे असं म्हणतात, कारण त्यांनी मदत नाही त्यांनी काढलेलं आहे पूर्ण चौथ्या माळ्याचा जो ऑलमोस्ट स्लॅब आहे ना, ते मधली भिंत काढून दिली तो गेस्ट हाऊस नाही। आता ते बघून घेते आणि इल्लिगल असेल ना, आत्ता ही बिल्डिंगच खाली करून पाडतायत ते, म्हणजे त्यामुळे ती ऑटोमॅटिकली जे आहे ते आता सगळं पाडलं जाईल। हां, कारण ती अतिशय धोकादायक आहे, तुम्ही पण त्या बाजूने पाहिलं असेल तिकडून जाऊन, म्हणजे आपल्याला इथून जाणं सुद्धा शक्य नाही आहे इतकं त्याचं ती डॅमेज झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे ती पाडून ते आता हे करणार आहे, डिमॉलिश करतील। हे जो बिल्डिंग आहे नासर हाऊस, हमने बीएमसी में हमने खुद हमारी मनसे की तरफ से तकरार किया था कि यहाँ पर इल्लीगल पूरी तरीके से वो गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। बीच के जो सपोर्ट और वॉल है वो तोड़ तोड़ कर ये लोग कैबिन बनाए, ऐसे दूसरे माले से लेकर पांचवें माले तक ये लोग ने सब इल्लीगल स्ट्रक्चर दिया बांधकाम किया है और बीएमसी ने जानबूझकर इसकी तरफ नज़रअंदाज किया, जिसका नतीजा आज ऐसा हुआ कि वो पूरा मतलब वो बिल्डिंग नीचे गिरने की तरफ आया है, आधा से ज़्यादा पोर्शन गिर चुका है, कभी भी वो डैमेज हो सकता है। अभी मतलब फॉर्चुनेटली कोई ऐसा किसी का जान वगैरह का ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करने देंगे और बीएमसी इस तरीके से अगर मतलब ऐसे गलत तरीके से सपोर्ट करते रहेगा और इलीगल कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे तो इस तरीके के नुकसान होते रहेगा और मुंबई सेफ नहीं है इस वजह से, तो इसके सबके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और ये जो करप्शन का जो ये सब अल्टीमेटली करप्शन है, तो ये जो करप्शन का ये जो जरिया है ये बंद होना चाहिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी हो उसे तोड़ देना चाहिए बीएमसी ने। आज उस तरफ ना हम लोग के कंप्लेन के बावजूद ये लोग ने नज़रअंदाज किया, उसका आज ये नतीजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलीगल काम जो हो रहे हैं होने नहीं चाहिए। दूसरी बात, इनको बार बार इन्फॉर्मेशन और ये सब बताने की हम लोग ने बहुत कोशिश की थी कि ये स्लैब जो है इनकी फोटोग्राफ दिए थे, इफ द बिल्डिंग इज़ इन वेरी डेलिकेटेड पोजिशन सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो वह टाइम पे मिस्टर गीते घर के इंचार्ज थे बीएमसी में, ये वार्ड उनके अंडर था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होएगा नहीं और ये काम स्टॉप किया था। ये काम अगर ये स्टॉप होता है, काम स्टॉप करने का अगर नोटिस लगा लेते फिर वापस ये काम अगर ऊपर देखे देंगे तो 20 रूम्स बांधे हुए वहाँ पर, इसके लिए कौन जवाबदार है? और विथ हुम्स परमिशन, किसके परमिशन से ये 20 रूम बांधे गए? वो 20 रूम बांधने के बाद वापस बिल्डिंग इतनी लोडेड कंडीशन पर लाई कि थर्ड फ्लोर पर वापस उन्होंने काम किया, इसकी अथॉरिटी इनको किसने दी? मिस्टर गीते को मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उनको ये अथॉरिटी दी किसने?
इलीगल कंस्ट्रक्शन की अगर उन्होंने ऐसा पूजा करके रखा है कि अगर उनको बोला परमिशन देना है कि उनकी अथॉरिटी है तो उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया और बोला कि मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का पूरा बादशाह हूँ, माफिया हूँ मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का। सो आई वुड लाइक टू क्वेश्चन, आप लोग जो है मीडिया मिस्टर गीते को ये क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। कुछ पार्टी के लोगों ने इस बिल्डिंग को नोटिस भी दी थी और बीएमसी का ध्यान इसकी तरफ खींच लिया था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। फिर भी लोग यहाँ पे रहते थे, होटल अच्छी तरह से चल रहा था, जब तक कि इसका हिस्सा गिरा नहीं तब तक लोग वहीं पर थे। ये बिल्डिंग धोखादायक थी फिर भी लोग इसी में रह रहे थे। और हम पूछना चाहते हैं कि बीएमसी इसके बारे में क्या करने वाले हैं। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए स्पेस। कैमरामैन करण शिंदे के साथ वैष्णव विनोल कर, महामुंबई न्यूज़।